आईएमए के आह्वान का असर देखने को मिल रहा है और यहां सभी प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिससे ओपीडी सेवा पूरी तरह से बाधित है। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर मरीजों पर देखा जा रहा है। देखिए ग्राउंड जीरो से जी मीडिया संवाददाता अभिषेक माथुर की रिपोर्ट। कोलकाता में हुई घटना के बाद अलीगढ़ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये देखिए प्राइवेट अस्पताल है जहां पर हड़ताल की वजह से सभी बेड खाली हैं, सिर्फ उन मरीजों को लिया जा रहा है जो इमरजेंसी की कंडीशन में यहाँ आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा अस्पताल का परिसर है जहाँ बेड खाली पड़े हुए हैं और जो क्रिटिकल कंडीशन में यहाँ मरीज आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। डॉक्टरों में बंगाल की घटना को लेकर के आक्रोश है और उनका कहना यही है कि डॉक्टरों की सुरक्षा जरूर होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल जो है सबके बीच जितने भी मरीज हैं वो फिलहाल परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई भी डॉक्टर यहाँ अभी उपलब्ध नहीं है। आज जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उन सभी की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हैं, मरीजों को उस कंडीशन में भर्ती किया जा रहा है जो इमरजेंसी में यहाँ आ रहे हैं। इस खबर के लिए मैं अभिषेक माथुर, जी मीडिया अलीगढ़। उधर वाराणसी में भी डॉक्टरों की हड़ताल का असर देखा जा रहा है। यहाँ आरजी कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर हैं और इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं मरीजों की परेशानी भी बढ़ गई है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पिछले 9 अगस्त को रेजिडेंटल डॉक्टर के साथ दुराचार, उसके बाद निर्मम हत्या के विरोध में जहां रेजिडेंटल डॉक्टर पहले से ही हड़ताल पर हैं, वहीं पर आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी दिशा निर्देश जारी करते हुए 24 घंटे का हड़ताल करने का आह्वान किया है। इसमें मौजूद है वाराणसी के राजकीय चिकित्सालय पंडित दीनदयाल के राजकीय चिकित्सालय में और देखते हैं क्या कुछ जमीनी हकीकत है, डॉक्टर्स आज यहाँ हड़ताल पर हैं या यहाँ कामकाज चल रहा है। यहाँ पर देखिए सैकड़ों की संख्या में पेशेंट यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन अभी डॉक्टर यहाँ फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर के ये देखा कहा जा सकता है। आप भी दिखाने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं? जी मैं यहीं शिवपुर कालीपुर से हूँ। पर्चा रजिस्ट्रेशन करा लिए? रजिस्ट्रेशन तो हो गया, वैसे मैंने कल में दिखाया था और रेलवे स्टेशन में मेरा अल्ट्रासाउंड आया था। क्या तो, क्या क्या अभी तक डॉक्टर कोई बैठा नहीं है? डॉक्टर लोग तो शायद आज हड़ताल पे हैं तो परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। आज देख रहे हैं बहुत काफी लोग आ रहे हैं, निराशा होकर चल जा रहे हैं लोग, काफी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। आप कहाँ से? हाथी बाजार से। तो क्या हुआ, डॉक्टर अभी मिले कि नहीं, क्या बता रहे? डॉक्टर साहब हड़ताल पर है। हड़ताल पे है जी। तो रजिस्ट्रेशन उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन हुआ? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो करा चुके हैं। हड़ताल पे थे तो रजिस्ट्रेशन तो नहीं होना चाहिए था? अभी ऐसा तो अपने लिए पहले इनको वहाँ पर कह देना चाहिए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो डॉक्टर साहब नहीं आएंगे। आपने भी रजिस्ट्रेशन कराया है? जी नहीं, हमारे मरीज दो तीन दिन से भर्ती। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर खुला हुआ, बाकायदे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, कराया जा रहा है। लोग सुबह 7 बजे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर्स आएंगे, उनको दिखाएंगे, लेकिन ये एक तरह से बड़ी लापरवाही कही जा सकती है कि जब डॉक्टर हड़ताल पे हैं इस सूचना के बाद भी रजिस्ट्रेशन काउंटर सुबह से खुला हुआ है और पेशेंट यहाँ आ करके करीब 2 घंटे से इंतजार करने के बाद अब वापस जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुराचार के बाद हत्या के विरोध में वाराणसी में आईएमए के दिशा निर्देश के बाद अब आज डॉक्टर हड़ताल पे हैं, मरीजों को तमाम मुश्किलों का, दूर दराज से आए मरीजों को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ दिनेश मिश्रा, जी मीडिया, वाराणसी। उधर गोंडा में भी डॉक्टर की हड़ताल का असर देखा जा रहा है और यहां आईएमए के आह्वान पर हजारों सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर्स ने हड़ताल की। इस दौरान कोलकाता में हुई हैवानियत के खिलाफ डॉक्टर में सरकार से महिला डॉक्टर की सुरक्षा की मांग की और 5 किलोमीटर पैदल मार्च किया। अभी पीछे जैसे आप लोगों को मालूम है कि कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बर्बरतापूर्ण उसकी हत्या कर दी गई और उसके साथ रेप किया गया और उसको सरकार ने जो है एक आत्महत्या के रूप में दर्शाया और जिसके विरोध में हम सभी डॉक्टर्स जो है यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हमको एक जस्टिस चाहिए उसके लिए और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए हमें कुछ इंतजाम चाहिए जिससे कि भविष्य में डॉक्टर निर्भय होकर काम कर सकें और अपना कार्य सुचारू रूप से कर पाएँ।
कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और फिर हत्या के बाद देश भर में डॉक्टर्स में आक्रोश है। इस बीच रायबरेली में एवीवीपी कार्यकर्ताओं ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला भी फूंका और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो डिग्री कॉलेज चौराहे पर यह प्रदर्शन किया गया। सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई। डॉक्टर की हत्या से देश भर में नाराजगी देखी जा रही है। जगह जगह हड़ताल की जा रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने, क्योंकि वो एक विद्यार्थी थी, तो हम भी विद्यार्थियों की आवाज उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, तो इसीलिए हमने एक छोटा सा प्रदर्शन किया है उसके विरोध में, जिसके अब हम आगे डीएम साहब को राष्ट्रपति जी के लिए एक संबोधन भेंट करेंगे। और हम ये मांग करते हैं कि इसके ऊपर जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी हमारे बहन है उसको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात के बाद पूरे देश में आक्रोश है। हर कोई आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और फांसी की मांग कर रहा है और इसी को लेकर बागपत में आईएमए के बैनर तले डॉक्टर्स ने हड़ताल की। काम का बहिष्कार करते हुए डॉक्टरों ने जुलूस निकाला और पीएम मोदी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए डॉक्टरों ने सरकार से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की। तो बागपत में भी डॉक्टरों की हड़ताल देखी गई।